क्षेत्र में 10 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाया गया, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। किस तरीके की तस्वीरें और नजारे रहे, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैनपुरी के विकास खंड जागीर क्षेत्र के विद्युत वितरण खंड मंचना के गांव रामनगर में 10 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर फो गया था, जिसके बाद 10 दिन से अधिक समय बीत गया। विभाग की मनमानी के कारण ट्रांसफर को नहीं बदलवाया गया। वहीं गुरुवार को दोपहर 2 बजे दर्जनों ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीणों के द्वारा अवर अभियंता एवं उपखंड अधिकारी से ट्रांसफार्मर बदलवाने की शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। भीषण उमस भरी गर्मी में बुजुर्ग व बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। खेतों में खड़ी किसानों की फसल सूखने के कगार पर है। बिजली न आने के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता से मांग की है। शुक्रवार के दिन आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। विकासखंड जागीर क्षेत्र के मंचना बिजली घर स्थित खप्पर वाले बाबा मंदिर परिसर में क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कठेरिया के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने बिजली की अनियमित आपूर्ति, अघोषित विद्युत कटौती और किसानों को समय से बिजली न मिलने के विरोध में किसान व सपा नेता धरने पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाया है कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसानों को समय से बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसानों की फसलें बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर हैं। बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाते। बिजली कटौती को लेकर पूरे जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये क्या मामला है, इतनी लोग भीड़ लगी है यहाँ? ये साहब समथिंग हमारे गांव में 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर आकाशीय बिजली से खराब हो गया था, तो जय साहब के पास हम लोग सभी लोग गए तो कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। जय साहब बोल रहे हैं कि बिल हम लोगों का समथिंग 50% जमा भी हो गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब हो गया? ट्रांसफार्मर खराब हो गया। कितने दिन हो गए बिजली नहीं आ रही? 15 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? हम लोग तो सब इसीलिए खड़े हैं, सब लोग धरना दे रहे हैं, चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर बदल जाए। अगर नहीं बदला गया तो क्या करेंगे हम लोग? डीएम साहब के पास जाएंगे, धरना देंगे, घिराव करेंगे। नाम है तुम्हारा? मनीष यादव। कौन सा गांव है ये? रामनगर गांव। आज इतनी महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए, क्या मामला है ये? सर यहाँ करीब 15 दिन से गाँव में लाइट नहीं आ रही है और आकाशीय बिजली गिरने के कारण ट्रांसफार्मर गाँव के फूके पड़े हैं। हम लोग मंचना फीडर पर भी सूचना दी है, जय साहब को सूचना दी है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव बच्चे परेशान हैं, पढ़ने वाले भी परेशान हैं, किसान मजदूर मेहनत करके आते हैं, सोने का समय होता, लाइट नहीं है, दिन को लाइट नहीं है, बहुत परेशानी है साहब गांव में। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ? सर करीब 15 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर फूके हुए 15 दिन से, 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से गाँव में लाइट नहीं आ रही है। आपने किसी उच्च अधिकारियों को सूचना दी? सर जे हिसाब से सूचना है और मंचना फीटर भी सूचना दी है, लेकिन सर अभी कोई सुनवाई नहीं है। आपकी समस्या का समाधान नहीं सर है, और हम लोग बिल का भुगतान भी कर रहे हैं सर। विधायक जी, बिजली किल्लत को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, क्या समस्याओं का निस्तारण हो रहा है या आंख बंद करके प्रशासन बैठा हुआ है? देखिए, अभी सदन चला था और सदन में आपने देखा होगा, पूरे सदन को अगर टाइमली कैलकुलेट किया जाए तो आधा समय केवल किसानों की और बिजली समस्या को लेकर के सदन में बात रखी गई, लेकिन वहाँ सदन में सरकार और ज़िले पे अधिकारी किसी भी कीमत पर किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार और अधिकारी कहते हैं कि कॉमर्शियल बिजली 18 घंटे सप्लाई दी जा रही है, लेकिन हम कहेंगे तो शायद मेरी बात झूठ मानी जाए। यहाँ सारे लोग किसान बैठे हैं, इनसे आप पूछ लें कि बिजली की हालत क्या है, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दी जा रही है। अब नहर में पानी नहीं दिया जा रहा है, लाइट दी नहीं जा रही है। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, पंजाब या हरियाणा की तरह नहीं है, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, 10, 5, 15, 20 बीघा वाले, जैसे तैसे अपने बाल बच्चे लगा करके कर्ज लेकर के इधर उधर से फसल को गाड़ पाए हैं धान को, और आज जब उनके सामने फसल सूख रही है तो निश्चित रूप से वो केवल फसल ही नहीं है, वो कोई धान का पौधा नहीं है, बल्कि उस फसल के पीछे इनके बच्चों का, इनके परिवार का भरण पोषण, शिक्षा,
शादी विवाह तमाम सारे सपने उस फसल के साथ जुड़े हुए हैं और किसान तड़प रहा है, सरकार और अधिकारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी आप जागीर फीडर पर धरने पर बैठे थे, क्या वहाँ की समस्या खत्म हुई? वहाँ की समस्याएं अधिकारी बुलाए थे, अधिकारी के सामने बात रखी, अधिकारियों ने बात सहृदय स्वीकार की और आज यहाँ भी बैठे हैं। अभी अधिकारी आएंगे, उनके सामने किसान अपनी बात रखेंगे और जब मेरी बात मानी जाएगी उनको धन्यवाद, और नहीं मानी जाएगी तो लोकतंत्र में मेरी जिम्मेदारी है और हम सबका ये अधिकार है कि कम से कम सरकार को और अधिकारियों को उनका आईना दिखाएं। तब तक चलेगा जब तक किसानों को जो सरकार का जियो है अकॉर्डिंग टू जियो सप्लाई नहीं होने लगी मिलेगी। और न केवल अघोषित विद्युत कटौती, बिलिंग का आप हाल देख लो, अगर कोई 1,000 रुपये की बिजली कंज्यूम करता है तो उसका बिल उससे 10 से 20 गुना आ रहा है। आज साधारण बल्ब कनेक्शन का बिल 30-40 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर उनको जनता का, किसानों का काम, उनकी आवाज़, उनका दर्द में मेरा शामिल होना अगर बेकाम लगता है तो कम से कम सत्ताधारियों को अपना काम बताना चाहिए कि आखिर उनका काम क्या केवल यही है ऐसो आराम से ज़िंदगी बिताना, किसान मजदूरों की बात से अलग रहना, सच्चाई से विमुख होना। अगर उनका ये काम है तो ये काम उन्हें उनका मुबारक हो। और मेरी जहाँ तक बात है, हमारी बात, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे नेतृत्व किसान मजदूरों के साथ है तो हम भी उनके साथ। आम सुविधा के लिए एक विधायक को जगह जगह धरने पर बैठना पड़ रहा है, ऐसे में आम आदमी क्या स्थिति होती है? आम आदमी की स्थिति है, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रही कि जब मैं कभी अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ, अभी परसों ही मैंने ऐसी को फ़ोन किया था, 6 बार फ़ोन करने के बाद मेरा फ़ोन उठा, उसमें 3 कॉल सुबह किए थे, 3 शाम को। जब वो मेरा फ़ोन उठाने में उन्हें तकलीफ़ होती है तो ये किसान बैठे, इनसे पूछ लो जेई वगैरह कितना इनका फ़ोन उठाते हैं, ये बता देंगे आपको कितना फ़ोन उठाते हैं। जब फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो आखिर काम कहाँ से होगा? देखिए, अधिकारी हमेशा सरकार के इशारे पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ ये घोषणाएं करते हैं कि हम पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली देते हैं। लेकिन स्थिति आज ये है कि ये सारी घोषणाएं, सारी जो है उनकी योजनाएं कागज़ों में हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। बिजली यहाँ कितनी मिल रही है सबको ये जानकारी है, 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती, और वो भी एक साथ नहीं मिलती है, टुकड़ों टुकड़ों में बिजली मिलती है कट के। और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या तो है ही, जिसको लेकर के विधायक जी आज धरने पर बैठे हैं, लेकिन शहर में भी जो है बिजली बहुत कट रही है इस समय। और ये सब इनका जो है, और जब सरकार झूठ बोल के अपना काम चला रही है तो अधिकारी क्यों सुनेंगे? अधिकारी भी अपना काम चलाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पूरे जनपद में यही हाल है, चाहे विधायक वो हों चाहे हमारी पार्टी के हों, विधायक से कोई मतलब नहीं, जनता तो इस ज़िले की है ना। जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रह रहा है वो सब त्राहि त्राहि कर रहा है, पूरे जनपद की यही स्थिति है। ऐसा भी है कि विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका फोन इसी अधिकारी नहीं। हाँ बिल्कुल, अधिकारी सुनने को कुछ तैयार ही नहीं होते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर अधिकारी जो है फ़ोन उठाने लगते और सुनने लगते हैं?